चाहते हैं? हम इस धरती पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं वहाँ पे कब्जा करना चाहती हूँ। शाहरुख खान का जो घर है ना, मन्नत। मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा? मुझे तो आएगा। मैं पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहूँगी। पाकिस्तान? सीरियसली? मतलब POK बोलती तो भी समझ में आता, तो अभी करना क्या है? कब्जा करना है। तो हम लोग कब्जा का ट्रेलर रिएक्शन करते हैं, बाकी तो कब्जे बाद में कर लेना। बेसिकली हम कब्जा का ना एक ट्रेलर रिएक्शन करने जा रहे हैं। कब्जा से अगर हम कुछ याद कर सकते हैं तो बॉलीवुड तो मूवी मुझे नहीं लग रही है, टॉलीवुड मुझे लग रहा है। टॉलीवुड है? हाँ, कोई साउथ इंडियन मूवी है, हमें बस अभी नाम पता है। तुम तीन वर्ड में बताओ कब्जा में क्या क्या हो सकता है। तीन वर्ड में कब्जा में, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, कोई कब्जा ही करने का स्टोरी होगा, बट आई डोंट नो कि क्या है, देखना पड़ेगा। चलना अभी तक जो हमने देखा है, स्टोरी तो 1942 की है, मतलब कि बिफोर इंडिपेंडेंस की है। थोड़ा शुरुआती म्यूजिक मुझे ऐसा लगा जैसे KGF का है। KGF का जो थीम म्यूजिक है वो थोड़ा उसका फील दे रहा था, और क्योंकि उसकी स्टोरी में भी कुछ सीन्स ऐसे लग रहे थे। और बाकी मतलब मुझे ऐसा अभी तक लगता है कि जो अगर आप देखोगे ना ट्रेलर को, आपने भी देखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पुअर चीज़ें, मतलब गरीबी दिखाई जा रही है, कैसे स्ट्रगल दिखाया जा रहा है खाने के साथ, तो वो थी ही, है ना। और फिर फ्रीडम स्ट्रगल है। इन द नेक्स्ट सेकेंड्स आप देख रहे हो कि जो वायलेंस है वो आप देख पा रहे हो, तो ये यहाँ से मतलब समझो कि यहाँ पे राइज कर रहा है वो। मुझे तो वो शिफ्ट अलग से समझ में आया कि द राइज ऑफ अ गैंगस्टर। हाँ, जैसा कि हम KGF में भी हमने देखा था दैट वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वो वाला सीन, तो रॉकी जैसा राइज कुछ ऐसा दिखाने वाला है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक तरफ एक स्ट्रगल चल रही थी और एक तरफ एक गैंगस्टर पैदा हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन हाँ, किस लेवल पे वायलेंस है, क्या है, इट लुक्स लाइक द सेम थिंग जो यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है हमें दिखाने की। हाँ, बाकी आगे देखते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ में आता है। और अभी तक ट्रेलर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। मुझे तो एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग, तो मतलब इससे आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो, कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो। मुझे उनके हाथ में वो पायल देखी तो मुझे लगा जैसे किसी की डेथ हो चुकी है और उसके बाद वो सिलसिला चालू होता है वायलेंस का, शायद रिवेंज का, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, मदर के हों या फिर पता नहीं क्या होगा, बट मूवी में देखेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मूवी को।
मुझे लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आई कि KGF को बहुत ज़्यादा कॉपी किया है इन्होंने, मतलब अटायर से लेकर के, स्टोरी लाइन से लेकर के, इवन सिनेमाटोग्राफी भी बहुत जगह पे मुझे सिमिलर सी लगी। मैंने KGF देखा नहीं है तो आई डोंट हैव आइडिया, बस माइंड्स की कमी है इसमें, बाकी के सिनेरियोस मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी तक का ट्रेलर। और मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आई कि जैसे इंडिपेंडेंस के दरमियान का स्ट्रगल था, तो अंग्रेज़ों ने कितना कुछ छीन लिया था कितने सारे लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो उस पर वापस कब्जा पाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें उनकी थी उनसे छिन गई उन्हें वापस अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरी भी लग रही है मुझे। एक सेकेंड, 1942 की बात हो रही है, ठीक है, तो अंग्रेज़ तो अभी हैं, बिल्कुल है, अभी वो छीन भी रहे हैं उनसे कुछ चीजें, हम लेकिन वापस लेने उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो चुकी थी, लोगों के अंदर वो आ गया था कि हमें हमारी चीजें चाहिए, आप भारत छोड़ो, बट जाने में उनको ऑब्वियसली टाइम लग गया था। बट हाँ, जो हम बात कर रहे थे अभी अपने इंट्रो पार्ट में कि कैसे किसी जगह पे कब्जा करने की बात हो रही है, फिर हमने ये भी बात की कि पाकिस्तान की भी मैंने अभी बात की कि मैं वहाँ पे कब्जा करना चाहूँगी, बट हमने अभी देखा कि जो हमारा मैप इसमें शो किया गया है इंडिया का, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर चीज़ इकट्ठा दिखाया गया, इंडिपेंडेंस के पहले का मैप है, yes. इंडिपेंडेंस के पहले कंप्लीट इंडिया जो था वो पूरा दिखाया गया है, मुझे अच्छा लगा काफी देख के, अपना इंडिया भरपूर एकदम ऑब्वियसली इंडिया जो था वो ही अच्छा लगता है, बट हाँ जो है वो मैप से ना मुझे अलग से ही एक प्यार है, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता है, फ्यूचर में आई नो कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट मुझे उस मैप से बहुत प्यार है। एनीवेज, हाँ, ये जो कब्जा, तो हाँ वही बात हो रही थी कि यहाँ पे एक गैंगस्टर का कैसे राइज हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी आपको ये भी पता है कि हिस्ट्री क्या रही, फिर उसके बाद में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, डेमोक्रेसी आई हमारे यहाँ पे, लेकिन एक और भी ग्रुप्स थे जो वहाँ पे गैंगस्टर मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीमिज्म कुछ लोगों के अंदर भी इंडिविजुअल भी तो रही होगी, जो एक जंग की शुरुआत लेकर के आए लोगों में, तो इस कहानी में उसी को दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेगेटिव भी दिखाया जाएगा, क्योंकि गैंगस्टर ये बहुत पॉजिटिव वर्ड तो नहीं, वायलेंस ही वायलेंस है, नेगेटिव भी पूरे में वायलेंस है, मतलब गैंगस्टर इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म, अगर गैंगस्टर कहा जा रहा है और इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है तो उनका रोल कैसा होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपने लोगों के लिए बस लड़ रहे हैं या बस खुद के लिए। तो बेसिकली डेट्स अभी आए नहीं है, मैं कहूँगी कि ये देखने लायक होगी पूरी पूरी, मैं खुद रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद भी देखूंगी, लेकिन डेट्स जैसे आता है तो हम अपडेट करवा देंगे आपको फटाफट से। लेकिन उस अपडेट के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, तो हमारे इंस्टाग्राम की जो आईडी का नाम है वो है AGSKI_, तो फॉलो कर लीजिए उस पेज को भी, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आप इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें AGSKI360।